मेयर का चुनाव लड़ रही है, आप किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? पहले तो मैं सभी अपने चैनल वालों को मैं धन्यवाद देती हूँ और अपने सभी नगर वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेयर का चुनाव लड़ रहा है, हम अपने विकास के लिए लड़ रहे हैं। नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए हम लड़ रहे हैं चुनाव। जो अभी आप जो स्थिति है नगर निगम का, जो भ्रष्टाचार का वहाँ अंबार लगा हुआ है और उसको हमको मिटाना है। शहर के जितने भी हमारे वार्ड है, वर्ष वार्ड में एक भी काम नहीं हो रहा है, जहाँ की जल जमाव की स्थिति आप लोग भी देख रहे हैं। वहाँ हमारे अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे अभिभावक लोग फोन करते हैं कि हमारे दरवाजे के सामने हमारे गली में बहुत सा कचरा लगा हुआ है, वहाँ बहुत सा गंदगी हो रहा है। तो हमने इस तरह के माहौल देख रहे हैं शहर में, इसीलिए हम जब मैं आप लोग के बता दूँ, जब हमने जब चेयर हुए चेयरमैन थे उस समय 2002 में, हम बहुत कम साधन में हम बहुत सुंदर स्वच्छ शहर को हमने बना के रखा था। जो आज का स्थिति जो है, आपका एक लेबल लगा हुआ है कि नगर निगम हो गया, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। पहले तो सब लोग अपना सब लोग दावा करते हैं कि हम मेयर बनेंगे तो हम ये करेंगे वे करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई सक्सेस होगा। लेकिन हम एक महिला हम सिंगल हैं जो अपने बल पर और अपने समाज के बीच में हम जाने का काम करते हैं। जितने भी हमारी महिला जो खड़ी हैं वो सब लोग अपने घर में हैं, लेकिन उन लोग का हस्बैंड जो है, चाहे देवर हैं बेटा हैं, वोट मांगने के लिए हर गली में मोहल्ला में जा रहे हैं। एक बस हम ही जो महिला हैं अकेले सिंगल घूम रहे हैं, ना हमारे साथ कोई भी आदमी है। और जहाँ तक कि नगर निगम की बात है, तो जैसे कि हमने नगर निगम में जब वार्ड में जीते, इसके बाद में अध्यक्ष बने, तब बहुत सा काम किए हैं नगर निगम का। जो कर्मचारी हमारा जो है, पहले हम सुनते थे कि जो कर्मचारी थे नगर निगम का, उन लोगों का बहुत ही कर्जदार होने के बाद होता था, लेकिन जब हम आए तो उन लोगों का पेंशन का लागू किए। एक बार फिर सोचे कि अगर हम भी कुर्सी पाते हैं तो फैमिली पेंशन हमको बाकी रह गया है, अगर जीतेंगे तो पहले अपने कर्मचारियों को फैमिली पेंशन करेंगे और सुंदर शहर बनाएंगे। दूसरा बात कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी महिलाओं का आप देख रहे हैं, यहाँ से देवीघटवा से लेकर के आप चले जाइए गांधी तक में, एक भी शौचालय नहीं है। जो हमारी महिलाएं जो मार्केटिंग करने आती हैं, चाहे देहात साइड से लोग आते हैं, कहीं शौचालय नहीं है। हमारी महिलाओं का बहुत कष्ट है। पहले तो हमने अपना महिलाओं का सुविधा करेंगे, उनको समाधान करेंगे। विकास तो आपका बहुत सा अभी मुद्दा है, जब उसको उसी पर जाएंगे तब उसके अनुसार हमने काम करेंगे। हमारे पुराना अनुभव है, हम 15 साल से रह चुके हैं, हर गली हर नाली हर समाज के लिए समझाने का काम किए हैं। और सबसे पहले एक और बात है कि जो महिलाएं हैं, जो हर गली नाली गली में जो है, कहीं आपका लाइट नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। पहले तो हमारी महिला घर से आपके बाजार जाती हैं, साफ सब्जी लाने, उन लोगों का अंधेरा रहता है। बहुत सा हमारे यहाँ मोहल्ला में जो है आपके उभर जी पर हमको आए दिन सुनने का मिलता है कि जब महिला सब्जी लाने आती है तो किसी का कान में छीना जा रहा है, किसी का चंद छीना जा रहा है। तो मान लीजिए लाइट रहेगा, अंधेरा रहेगा तभी ना होगा, अंधेरा है तो वहाँ कोई किसी का कोई मतलब नहीं है। एक ही लाइन में मैं आपको बता देती हूँ कि किसी का मेयर बनते हैं लोग, लेकिन कोई विकास और कोई जनता के बीच में जाने के काम नहीं। सबसे पहले और क्या रहेगा आपका? पहले हमारा मुद्दा रहेगा कि पहले तो वार्ड था, लेकिन अब हमारा नगर निगम हो गया। पहले हम जनता दरबार लगाएंगे, मेरा एक उद्देश्य है, और सारे अपने जनता को बीच में रहेंगे, उनका समस्या के सुनेंगे, उनका समस्या के जो हमारे लाइफ होगा हम समाधान करेंगे। आप चेयरमैन रह चुकी हैं, ऐसे 2 कार्य उस समय के बताइए जो आज तक जनता जिससे लाभान्वित हो रही हो। जिससे जनता लाभान्वित, जनता को क्या है, सफाई ना है, लगाई यही चीज ना है शहर का। शहर के बस स्टैंड का जो सौंदर्यीकरण कर, अच्छा ये और भी बता देते हैं, आपका जो हम जब चेयरमैन बने उस समय हमारे बहुत संसाधन कम था। वो योजना हमारा नाम से था, एक गंदी बस्ती था, एक सौर जल्दी गंदी बस्ती जो योजना था, वो गंदी बस्ती जैसे कि आपका मुशा है मजर है, उन्हीं लोगों का बस्ती में देना था। और सौर जयंती जो है गली नली बनाने का वो फंड था, बहुत मैंने कम कहिए सीमित साधन था। वहाँ निगाह में ना ट्रैक्टर था ना डोजर था, एक आपका डोजर था ट्रैक्टर था, कभी बिगड़ गया कभी हुआ तो
समस्या होता था उस समय, लेकिन फिर भी हम अपना करते थे। दूसरा बात, जब भी छठ पूजा दीपावली आता था तो हम अकेले महिला चौक पर, आप जा करके पूछ सकते हैं, चौक पर खड़ा होकर हम अकेले सिंगल महिला 12 बजे रात तक, हम रात में जब सब लोग बाजार दुकान बंद हो जाता था, उस स्थिति में हम खड़ा होकर पूरा कूड़ा को हम सफाई कराते थे। और हर मतलब चौक पर आपको हमेशा अंबार लगा रहता था, हम खड़ा होकर सफाई करते थे। सार में जो आपने पांच जल मीनार का उसका, और आपके एक और बात मैं बता देती हूँ, जो आपके बस स्टैंड है, पूरा बस स्टैंड पुराना था, वहाँ पर आप लोग भी देखे होंगे कि वहाँ चलूंगी और ये गुलटी लगा कर लोग दुकान करते थे। जब हम जीत के आए तो वहाँ हमने मैंने उसको देखे कि वहाँ हम अपने अपना कर ये अमीन ले करके वहाँ दिखाए, नापी कराए, वहाँ हमने बस स्टैंड पर 105 को दुकान बनाई थी, 100 दुकान में उसमें सूची बनाई कि जो लोग पहले से जो यहाँ दुकानदार दुकानदारी कर रहे हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता, हम सबको चिन्हित करके उन्हीं लोग हम दिए थे। विकास मॉडल आपने एक पेश किया है, क्या विकास मॉडल में आपका क्या खास है? खास है कि आपका अभी यहाँ शहर का पार्किंग नहीं है और बहुत सा समस्या, आप तो बैठेंगे कुर्सी पर तब ना देखेंगे कौन सा समस्या है करेंगे। अब देखिए आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी बड़ा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। राजनीति का परंपरा में हमारा पहले ही से है, अच्छा थोड़ा 2002 के पहले ही से है। हमारे सोनाधारी बाबू जो वन मंत्री थे यहीं से राजनीति करते थे, यहीं का ऑफिस चलता था, उनको देख के हमारा भी आ गया था, हम भी राजनीति जनता का सेवा करें, मेरा इच्छा था, श्रद्धा था। आज भी मैं जो मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ, हम अपना शौक से लड़ रहे हैं, हमको पैसा का कोई ये नहीं कि हम लूटने के लिए नगर निगम में मेयर बनने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होता था, आप जब नगर परिषद की सभापति थी उस समय भी घोटाले हुआ करते थे या सिर्फ आज ही हो रहे हैं घोटाले? नहीं उस समय सब कुछ नहीं बता, उस समय घोटाला का आप तो विपक्ष में भी बैठी हैं, लक्ष्मण चौरसिया के अगेंस्ट में आपकी अपोजिशन की लीडर थी, तो वही जो गलत होता था उसका विरोध करते थे, आवाज उठाते थे। महिलाओं का चुनाव है, सिर्फ महिलाएं ही उम्मीदवार हैं, अब तक आपने घूमा होगा बहुत सारे इलाकों में, आपकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कौन है, आप क्या मानते हैं शिवकुमारी देवी की टक्कर किससे है? अभी तो हम नहीं बताएं, ये तो जनता बताए। नहीं फिर भी पूर्व मेयर हैं जो निवर्तमान मेयर हैं, अभी सब जनता हमारा चुप है जी, लेकिन आएगा मैदान में बाद में 10 दिन के बाद खुलेगा, लेकिन हम नहीं अभी किसी से कहेंगे कि हम किसके टक्कर में हैं, नहीं है, ये जनता को चुनना है, जितना अपना जनता समझे कौन। जाति का फैक्टर कितना रोल इसमें, जाति का फैक्टर जो जातिवाद होता है, आपको लगता है कि ये चुनाव इससे छूटा रहेगा? हम तो 2002 से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जाति पाति हमारे पास ही नहीं। नहीं अब की बार चुनाव में जातिगत कितना प्रभाव डालेगा, जाति का चुनाव होगा या फिर विकास के आधार पर चुनाव होगा? विकास के आधार पर मैडम, नगर निगम में ठेकेदारों का दबदबा रहता है, कैसे निपटेंगे उससे आप? हम निपटा लेंगे, मेरे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेसिटी है, मिटा लेंगे ना, किस ढंग से मिटाएंगे, तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मेरे पास उतना क्षमता है। आप एक महिला हैं और सारी भी महिलाएं प्रत्याशी फील्ड में उतरी हैं, आप महिला वोटर्स को अपने प्रति कैसे लाभान्वित करेंगे? पढ़िए ना, हम तो घर घर में जाकर बैठ करके हम ये महिला लोग ये कर रहे हैं, हम तुम्हारी दरवाजा खोल खोल के घूम रहे हैं, महिला अपने तरफ खींच रहे हैं।